हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे किस प्रकार पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में कमल के पत्तों को बनाया गया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इनके स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, और इसके अलावा ये मटेरियल्स यूज़ हुए इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा स्केचिंग और ड्राॅइंग। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में स्केचिंग और ड्राॅइंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और मैंने इस स्केचिंग में जो मटेरियल यूज़ किया वो है 0.3 mm मैकेनिकल पेंसिल। तो आप भी कोई सा भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। तो धीरे धीरे बड़े सहजता के साथ, धैर्य के साथ हम स्केचिंग और ड्राइंग स्टार्ट करेंगे और स्केच तैयार करेंगे बड़े धैर्य के साथ। आगे की ओर बढ़ेंगे। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में लाइन वर्क का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए हमें प्रैक्टिस की बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार स्केच करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो लाइनिंग ब्रश के माध्यम से, जो कि ड्राइंग को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार लाइनिंग करने के बाद पेंसिल से बनाए हुए स्केच को हम इरेज कर देंगे, और नेक्स्ट स्टेप रहता है वह है कलर फिलिंग। कलर फिलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे दो प्रकार के ग्रीन के दो शेड लिए हैं, एक है डार्क ग्रीन और एक है लाइट ग्रीन। और इन रंगों का किस प्रकार से उपयोग किया है चलिए वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो डार्क ग्रीन है उसका उपयोग हमने कमल के ऊपरी भाग के लिए, यानी ऊपर वाले भाग को बनाने के लिए यूज़ में लाया है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे कलर फिल कर रहे हैं और बड़े सहजता के साथ, और ब्रश में रंगों की मात्रा का उच्च अनुपात होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम कलर फिल करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। इस प्रकार हम कलर फिल करेंगे। तो उसके पश्चात नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो रहता है बर्निश और घुटाई। इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है बर्निश और घुटाई का। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा ब्रश के माध्यम से लाइनिंग, जो कि डिटेलिंग करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। और बर्निश के माध्यम से ब्रश को चलाने में काफ़ी आसानी रहती है, और कलर्स उसमें आसानी से बैठ जाते हैं। और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा वो है डिटेलिंग। तो इस प्रकार से हम डिटेलिंग शुरू करेंगे धीरे धीरे, और डिटेलिंग के लिए मैंने जो कलर यूज़ किया है ये है विरिडियन ग्रीन, और इसमें आप सैप ग्रीन भी मिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे बड़ी सहजता के साथ हम डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे, और ब्रश में रंगों का जो मात्रा है वो बहुत संतुलित मात्रा में होना चाहिए। अत्यधिक हो पेंटिंग आपकी पेंटिंग को ख़राब कर सकता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम डिटेलिंग लाइन वर्क के साथ करेंगे, और हम अब कमल के पत्ते के ऊपरी भाग में काम करेंगे, और बड़ी सहजता से एक एक स्ट्रोक, यानी कि पहाड़ी मिनिएचर की भाषा में कहा जाए तो बर्दाज करेंगे। तो हमें बड़ी सहजता के साथ, बड़े धैर्य के साथ इन पेंटिंग्स को बनाना होता है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ये तो आपकी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। वैसे भी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में रंगों का
के साथ साथ लाइनों का बहुत ही सुंदर उपयोग में लाया गया है, उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार धैर्य के साथ धीरे धीरे हम लाइन वर्क करेंगे, यानी इस पत्ते में हम डेप्थ देने का काम प्रताप के माध्यम से यानी लाइन के माध्यम से करते हैं। तो पेंटिंग को हम उल्टा करके भी इसमें काम कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम पत्ते को तैयार करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।